भगवान का समय का नहीं है। भगवान का जो जन्म हुआ है लगभग 5,982 वर्ष हुआ है। भगवान के टाइम की 3 वस्तु है, गोवर्धन पर्वत इसकी परिक्रमा करते हैं भगवान उठाया, यमुना नदी भगवान का चरण छिया इसका आप लोग चरणामृत स्नान करते हैं, और तीसरा है भगवान का घर जहाँ आप लोग बैठे हैं उस घर में इन लोग के नाथ को यशोदा ने उनके भाव से पालने का जुलाया, बाकी तो मंदिर तो सेठों ने बनाया है। तो सब लेकिन यशोदा के घर में हम लोग आया है, तो यहाँ भगवान नहीं है, यहाँ यशोदा का लाना है। तो यहाँ भगवान खड़ा नहीं है, बेटा नहीं है, यहाँ भगवान पालने में है। आपने अपने बेटा बच्चों को जुलाया, यशोदा ने बच्चों को जुलाया, तो सभी बहन को दर्शन होता है। लेकिन जो भक्त चंद्रमास प्रभु में आता है उसको यशोदा के लाना का अपने आप से भगवान का पालना होता है। तो जो भक्त चंद्रमास मिट्टी का प्रसाद मैं खिलाऊंगा, उसके बाद में यमुना जी ने हाथ पग आपको धोना है, ठीक है सब लोग। हेलो दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं ब्रह्मांड घाट, मथुरा से होके हम आए हैं, सभी लोग हमारे साथ वाले ही आ गए हैं, और अभी आप दिखाएंगे आपको ब्रह्मांड घाट। तो सभी लोग पहुंच गए हैं हमारे साथ वाले, हम सभी एक बस में हैं, और एक बस हमारी दर्शन करके चले गए, जो ब्रह्मांड घाट में होके घाट में स्नान करके चले गए। ये कुछ प्रमाण घाट का नजारा, परमात्मा का स्पर्श है।
उल्फित हृदय का हर्ष हो, परमात्मा का स्पर्श हो, उल्फित हृदय का हर्ष हो, तुम हो समर्पण का शिखर, तुम हो समर्पण का यहाँ पे काफी ठंडा है, हवा काफी बढ़िया चल रही है। मैया का दर्शन किया और स्नान तो नहीं किया, पंच स्नान किया और माँ भी आ गई पंच स्नान करके, और अभी हम गुरु के साथ जाएंगे। और राधे परमात्मा का, और यहाँ पे सभी लोगों ने दर्शन कर लिया है, पंच स्नान कर लिया है यमुना मैया में, और अभी शॉपिंग कर रहे हैं। परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो, तुम हो समर्पण का शिखर, तुम हो समर्पण का शिखर, तुम ही मेरा उत्कर्ष हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी भावना की तुम राधे जीत हो।